देखिए सखियो, आजकल हम लोगों को ना तो खान पान अच्छा मिल रहा है, नहीं हम सभी को वह प्रकृति मिलती है जो स्वस्थ होती है। इन्हीं सब के होते हुए हम सभी कहीं ना कहीं बीमारियों से घिरे रहते हैं। वहीं एक बीमारी होती है डायबिटीज। तो आइए डायबिटीज का रिडक्शन और इसके बचाव के बारे में हम बात करते हैं हमारे सर अमित जी गुप्ता से, जो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर है। तो आइए भेंट वार्ता के माध्यम से जानते हैं इनके विचार। नमस्कार, हाँ नमस्कार। आज हमारे साथ अमित जी गुप्ता। तो सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं अमित जी की कई सारी बीमारियां जो हम सभी को घेर लेती है, उसी में से एक बीमारी है डायबिटीज, जो कि आजकल इसके पेशेंट हमको हर घर में दिखाई देते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये डायबिटीज क्या होती है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा मेरा परिचय और दे देता हूँ, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ और मधुमेह मुक्त भारत एक अनोखा अभियान का प्रभारी हूँ। लगभग लगभग हम पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मैं और मेरी टीम काम करते हैं और साथ ही साथ हम हजारों लोगों को शुगर फ्री जिंदगी दे चुके हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि शुगर क्या है। ये बिल्कुल एक ज्वलंत समस्या है। अगर देखा जाए तो भारत आज की तारीख में डायबिटीज कैपिटल बन चुका है और करीब करीब 7-8 करोड़ डायबिटीज पेशेंट है और 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो डायबिटीज पेशेंट प्री डायबिटीज है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, नॉर्मल अगर शुगर क्या है इस पर हम बात करते हैं तो शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, उसे एनर्जी चाहिए और हम जो खाना खाते हैं वो ज्यादातर बॉडी में 3 हिस्सों में बंटता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सांस के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं, पानी यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जिससे शुगर बनती है। अब अगर देखें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कोशिकाओं तक ये एनर्जी को पहुंचाते हैं और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के अंदर एक अंग होता है पैंक्रियास, पैंक्रियास जो है उसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन बनाती है। अब इंसुलिन इस ग्लूकोज को पकड़ती है और सेल्स तक पहुंचाती है और शुगर और ऑक्सीजन मतलब जो इन ग्लूकोज है वो और ऑक्सीजन मिलकर दोनों जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर उससे काम करता है। चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है कि हम जो फूड ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल है। आप देख रहे हो ये फल सब्जी सब केमिकल से बने हुए, अनाज से पिस्टर छिड़का जा रहा है, जहर तो बॉडी में जा ही रहा है, टॉक्सिन्स बहुत सारी कई कई कारणों से हमारी बॉडी में जाता है। तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का निकलना या तो कम हो जाता है या उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अब ब्लड में वो जो ग्लूकोज था वो पड़ा रहता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ने लगता है इसे ही डायबिटीज कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, कोशिकाओं को एनर्जी की कमी लगती है, डायबिटिक लोगों में थकावट कमजोरी बनी रहती है, आईज की प्रॉब्लम होती है, आंखों में रोशनी देर कम हो जाती है, रेटिना खराब होने लगता है, एनर्जी की कमी से जो हार्ट की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। और अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर लगातार एनर्जी की कमी से ब्रेन भी कमजोर होता है, फिर हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, किडनी कमजोर होती है, लिवर फंक्शन, मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरी बॉडी जो है हमारी वो डैमेज होने लगती है। और साथ ही साथ जब चैलेंजेस आते हैं, जो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पता चलता है कि हमें शुगर हो चुकी है और फिर डॉक्टर्स की जो मेडिसिन होती है वो हम लेना शुरू कर देते हैं। तो ये डायबिटीज, ये इस तरह की बीमारी होती है डायबिटीज। जी बिल्कुल, अभी आपने बात कही कि जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमें शुगर है तो हम लोग टेबलेट चालू कर देते हैं। तो कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है, गलत फहमी होती है कि एक बार अगर हमने गोली चालू कर दी या एक बार टेबलेट चालू कर दी तो इसको हमें जीवन भर कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो क्या ऐसा संभव होता है कि शुगर की जो वो टेबलेट होती है वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है या फिर इसको जीवन भर ही हमें खाना पड़ता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो आपने किया है ना, ये लगभग देखा जाए कि भ्रांति नहीं बोलूंगा मैं, ये सच्चाई है और जो मिथ है वो मिथ को भी हम बात करेंगे, मतलब दोनों है, इसमें मिथ भी है और सच्चाई भी है। जी अब सच्चाई कैसे है कि एलोपैथी में डायबिटीज की जो उपलब्ध मेडिसिन होती है वो क्या करती है कि जो बीटा कोशिकाएं होती है उनको अटैक करती है। जैसे इसमें नॉर्मली होता क्या है कि मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड होता है जो कि बीटा कोशिकाओं को अटैक करते हैं, ज्यादा इंसुलिन छोड़ने के उसको प्रेरित करते हैं,
थोड़े समय तक तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन देती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारी बीटा कोशिकाएं धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। क्यों? वैसा हो गया कि जिस तरह से आप गन्ने का रस निकालते हैं और गन्ने से आखिर में कोई रस नहीं निकलता, वो पूरा खाली होता है, तो हमारी बीटा कोशिकाएं थोड़े समय के अंदर वैसी ही हो जाती है। तो ये टेबलेट क्या करती है, बीटा कोशिकाओं को रिपेयर तो नहीं करती और साथ ही साथ बचे हुए बीटा सेल्स को एक्टिव रखने की कोशिश करती है, लेकिन मरी हुई जो बीटा कोशिकाएं हैं वो जब तक पुनर्जीवित नहीं होगी तो मेडिसिन जो है वो ब्लड से शुगर की मात्रा को यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने की जो क्षमता है वो भी डैमेज हो जाती है। मतलब जो एलोपैथ के अंदर मेडिसिन में क्या यूज किया जाता है, मेटफॉर्मिन ग्लिमोपैड। अब ये मेटफॉर्मिन ग्लिमोपैड क्या करता है, बीटा कोशिकाओं को अटैक करा, ज्यादा इंसुलिन छोड़ने के उसको मजबूर किया, इंसुलिन निकला, जितना इंसुलिन बॉडी के लिए जरूरी था उतना तो यूज हो गया। अब बचा हुआ जो ग्लूकोज है उसको ये पकड़ कर क्या करते हैं, किडनी पे फेंकते हैं और किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। अब हमें क्या लगता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं हमारा, तो हमें हमारी शुगर लेवल कंट्रोल होना दिखता है कि हाँ कंट्रोल हो गया, लेकिन धीरे धीरे बॉडी के अंदर बीटा कोशिकाएं खत्म होने लगती है। क्यों खत्म होने लगती है, एक तो टॉक्सिन बॉडी में है, दूसरा हम उन कोशिकाओं से जिनसे इंसुलिन की मात्रा कम निकल रही थी उन पे अटैक करके बार बार ज्यादा इंसुलिन निकलवा रहे हैं। ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे मुझे मेरे घर के अंदर मकान बनवाना है और वहां मुझे मजदूर चाहिए 5 और मैं एक ही मजदूर से बोल रहा हूँ कि पूरा मकान तुझे ही बनाना है, तो एक समय आएगा या तो वो बीमार हो जाएगा या फिर काम छोड़ के भाग जाएगा। तो मेरी बीटा कोशिकाएं वैसी ही हो रही है कि वो काम छोड़ के भाग रही है, मतलब मुर्खित हो रही है। अब लगातार ऊर्जा की कमी से, लगातार बीटा कोशिकाओं पुनर्जीवित नहीं होने से पूरे जीवन भर भयानक परिणाम आते हैं, जो कि जीवन को लगातार डैमेज, मतलब सारे ऑर्गन हमारे खत्म होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ऑर्गन डैमेज होने की वजह से अंततः हमें इस बीमारी की वजह से मृत्यु तक का सामना करना पड़ता है। तो फिर सर इसके बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं कि हम किस तरीके से बचाव करें? जो आपने ये जो क्वेश्चन किया है यही काम का है। देखिए, शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसके साथ जीवन भर जिया जा सकता है। आपने जो क्वेश्चन किया बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहला इसमें जरूरी होता है हमारा डाइट प्लान, कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरा जो बॉडी का ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल रहे। तो सबसे पहले मेरे नाश्ते, मेरे दोपहर के भोजन, रात के खानों को कैसे मुझे डिवाइड करना है, आइए उस पर मैं बात करता हूँ। कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पानी पीना है, गुनगुना पानी अगर हमने पी लिया तो सबसे बेस्ट है। और फिर हम जब फ्रेश होते हैं, कोटी वगैरह गए, उसके बाद में हमें वार्म अप एक्सरसाइज करना है, अगर सूर्य नमस्कार कर सकते तो कर लीजिए या फिर घर में ही वॉक कर लीजिए। उसके बाद नाश्ते की अगर हम बात करें तो हमें मल्टीग्रेन दलिया, आजकल तो रेडीमेड दलिया बाजार में मिल रहा है, या फिर स्काउट्स विशेष करके हरे मूंग का प्रयोग हमें करना है। इसमें मौसम के हिसाब से आप सब्जी अगर डालना चाहें तो डाल लीजिए। दूध को थोड़े समय के लिए अवॉइड कीजिए और साथ ही साथ अगर आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके आहार के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। जब नाश्ता आपने कर लिया उसके 1.5-2 घंटे के बाद में 100-200 सीढ़ी चढ़िए उतरिए, मतलब एक्सरसाइज करना जरूरी है, ग्लूकोज आपकी बॉडी से लगातार बर्न होता रहे। फिर अगर हम लंच की बात करें तो लंच में आपको सबसे पहले, लंच करने के पहले करीब आधा घंटा पहले, फुल प्लेट सलाद की, सारी मौसमी सब्जियां फल इसके अंदर आ जाएंगे। एक कटोरी अगर आप चाहें तो ब्राउन राइस ले लीजिए, अगर नहीं खाना कोई बात नहीं डाल लीजिए। मल्टीग्रेन आटा विशेष करके ज्वार बाजरे की आप रोटी ले लीजिए, 1 या 2 रोटी, और बेसन या मूंग की दाल का चीला, और अगर धनिया तो शामिल कीजिए, धनिया आप हरा धनिया को शामिल कर सकते हैं, धनिया की चटनी बना सकते हैं। खाने में घी तेल का प्रयोग जो है हमें कम से कम करना है। फिर हम जब 1.5-2 घंटे हो जाए वापस से वॉक कर लीजिए। फल की अगर मैं बात करूं तो फल विशेषकर जामुन, जामफल, कीवी, नाशपाती आपके लिए बढ़िया होता है। खाली पेट पपीता बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्ट्रॉबेरी आप यूज कीजिए, या फिर अगर सुबह सुबह बासी मुंह आप ताजा नारियल पानी पीते हैं वो भी बहुत हेल्प करेगा। रात को बिल्कुल भी हेवी खाना नहीं खाना, बिल्कुल कंट्रोल में खाना खाना, जैसे उबली हुई सब्जियां हो गया, या फिर एक कटोरा आप सलाद ले लीजिए, या फिर छिलके वाली मूंग की दाल और दलिया जिसमें जो ज्वार बाजरा है मल्टीग्रेन का दलिया हो, 4-5 तरह की हरी सब्जी, और इस तरह की कोई भी चीज है। विशेषकर सावधानी खाने में जो रखनी है वो ये रखनी है कि दूध और दूध से बने हुए उत्पाद नहीं खाना, बाजार का डिब्बा बंद कोई खाना नहीं खाना है, माइक्रोवेव नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। अब थोड़ा सा कैलोरी के ऊपर ध्यान देना है कि मेरा जो फूड है उसमें कैलोरी कितनी, क्या मैं रोजाना जो कैलोरी है वो बर्न कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह का जब हम ध्यान रखते हैं
तो यकीन मानिए कि शुगर की बीमारी को हम मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल करते हुए इसके साथ हमारा जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। और विशेष करके जो कुछ चीजें हैं वो जिनकी और ज्यादा सावधानी रखनी, जैसे कि हमें अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं धूम्रपान या फिर तमाकू वगैरह सेवन कर रहे हैं तो वो रोकना है, वजन अपना मैनेज रहे वो चेक करना है, और लगातार एक्टिव बने रहना है, टेंशन और इन सब चीजों से दूर रहना, बिल्कुल सकारात्मक जीवन शैली अपनाना है। बहुत आसान है शुगर के साथ जीना जी। जी वहीं अगर हम महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि महिलाएं क्या होती है कि अपने आप को इतना समय नहीं दे पाती, इतना एक्सरसाइज कर पाती, इतना घूम पाती है, और एक बहाना भी हो जाता है कि हाँ हम लोग व्यस्त रहते हैं, दिन भर घर के काम करते हैं या फिर जो जॉब पे जाती हैं वो बाहर का काम देखती हैं, तो ऐसे में वह किस तरीके से अपनी पूरी दिनचर्या बनाए। देखिए आपने जो बात कही है, देखो महिलाओं को तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि महिलाएं सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी करती है, सेक्रीफाइस भी करती है और परिवार का ध्यान भी रखती है, लेकिन महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह होती है। उनका कोई भी वो खुद तो ध्यान रखती ही नहीं है, दूसरे भी उनका कोई ध्यान नहीं रखते। तो देखो महिलाओं में जब भी इस तरह के कहीं चैलेंजेस आते हैं तो सबसे पहले हम लक्षणों की बात करते हैं। महिलाओं को अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, शुगर की चैलेंजेस आने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले क्या होगा, पेशाब ज्यादा आएगी, प्यास ज्यादा लगेगी शरीर में, मतलब डिहाइड्रेशन होने लगेगा, वजन कम होने लगेगा या बढ़ने लगेगा, वीकनेस आएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, अगर कोई शरीर में घाव हो गया है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्किन की कई प्रॉब्लम आ जाएगी। अधिकतर महिलाओं में क्या होगा कि गले के आसपास का जो हिस्सा है वो काला होने लगेगा, वजन अचानक से बढ़ जाएगा, या फिर रात को कभी चमक होगी, रात में पसीना आ जाएगा। तो इस तरह का जब भी कभी कोई ऐसा चैलेंजेस आए तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और महिलाओं में अधिकतर जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जैसे कि योनि का सूखापन या फिर थोड़ा सा इरिटेशन होना उसमें, तो वो इस तरह का चैलेंजेस आता है, तो बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है। डायबिटीज का जो लेवल है वो हमें शुगर का लेवल चेक करवाना है। करेंगे कंट्रोल कैसे, सबसे पहले थोड़ा सा घर का अगर आप देखें तो दालचीनी हो गए, आपका करेला है, जामुन है, अदरक का सेवन आप जो नियमित अगर करते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और अगर आप महिलाओं की विशेषकर हम बात करें तो महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट के ऊपर। अधिकतर मैंने महिलाओं को देखा है कि जब भी कहीं भूख लगती है तो वो चाय पी लेंगे या फिर थोड़ा इधर उधर कुछ नाश्ता कर लिया, लेकिन वो सब चीजों से बचना होगा। तो बहुत आसानी से शुगर को कंट्रोल भी किया जा सकता है और अपने डाइट प्लान को कंट्रोल करते हुए शुगर की बीमारी को दूर किया जा सकता है, मतलब बच भी सकते हैं उससे, ये बीमारी का तो उनके पास आएगी नहीं। जी बिल्कुल। तो अमित जी आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जिससे कि हम लोग डायबिटीज जो बीमारी है इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसके साथ जी भी सकते हैं। तो अपनी बातचीत के अंत में आप हमसे कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? देखिए मैं गाना सुनना पसंद करूंगा किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।